संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज प्रभु का वचन हमें तीन बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। पहला, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम। दूसरा, पड़ोसी के प्रति हमारा प्रेम। तीसरा, हमारे क्रिस्ती जीवन में इसकी प्रामाणिकता। फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु की शिक्षा को निराधार साबित करने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढ रहे थे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु शास्त्रियों की उत्सुकता को हर आयाम से शांत कर दिया है, तब वे अपने तरकीबों से यीशु को प्रश्नों के जाल में फंसाना चाहते थे। पहले प्रश्न के उत्तर में यीशु कहते हैं कि अपने ईश्वर को सारे हृदय, आत्मा और बुद्धि से प्यार करो। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व इन तीनों के माध्यम से संचालित होता है। यहाँ यीशु के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने संपूर्णता से ईश्वर को प्यार करे। ईश्वर से प्रेम करने में लेश मात्र भी खालीपन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा स्थान रिक्त ना हो जहां कोई और अपना घर बना ले। संपूर्ण रूप से ईश्वरमय हो जाना, इस संदर्भ में हिंदी साहित्य के साधक कवि संत कबीर दास जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। पूर्ण रूप से ईश्वर का हो जाना ही ईश्वर को प्यार करना है। गलातियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 20 में संत पौलुस हमसे कहते हैं, अब मैं नहीं परंतु यीशु मुझ में जीवित है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से प्रेम करने का तात्पर्य यही है, अब मैं नहीं यीशु मुझ में जीवित है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में यीशु कहते हैं, अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो। यदि हम समान शब्द को समझने की कोशिश करें तो इसमें तुलनात्मक विचार अनुपस्थित है। समान का शाब्दिक अर्थ है जैसा मैं हूं वैसा मेरा पड़ोसी भी है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। इस प्रकार का प्रेम करना और वो भी अपने पड़ोसी से, तो झगड़े हम किससे करेंगे? मैं कहूँगा अपने आप से। जब हमारे अंदर की तुलनात्मक विचार दूर हो जाएंगी तब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर सकेंगे। ये आदेश हमारे क्रिस्ती जीवन के तराजू के दो पलड़े हैं जहाँ दोनों का बराबर होना अति आवश्यक है। इन दोनों के माध्यम से ही हमारे क्रिस्तीय जीवन का संतुलन मापा जा सकता है, हमारे विश्वास का संतुलन मापा जा सकता है। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं कि यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता।
इसलिए हमें यीशु से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। इसी में हमारे क्रिश्चियन जीवन की प्रामाणिकता है। आमीन।